2002 में मैं उस रैली में और वहां पे था और मेरी मिसेस खड़ी थी साथ में। तो जैसे ही माननीय काशीराम साहब ने एक सेंटेंस बोला कि मैंने बहुजन समाज पार्टी तो बनाई, इसकी मुझे खुशी है और वो सत्ता में आई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जैसे शब्द उन्होंने लेकिन बोला तो मैंने अपनी मिसेस को बोला, सुनो जरा ध्यान से, तो माननीय काशीराम साहब कहते हैं मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, वो सत्ता में आई, लेकिन मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। ये बात जो कही मैंने देखा, मैंने विटनेस हूं, मैंने कानों से सुना, मैंने अपनी पत्नी को बताया उस भीड़ में, लाखों लोगों की भीड़ में जब माननीय ने कहा, मैंने समझ लिया उस दिन मैं विटनेस हूं। और जिस दिन 9 अक्टूबर को जब परिणाम हुआ उस रात्रि को, तो मैं वहीं था, मैंने माननीय के पार्थिव शरीर पर बंसी का झंडा भी मैंने उनका गाड़ी में चढ़ाया, मैं विटनेस हूँ। तो मैंने देखा कि वो एक आदेश दे रहे हैं, आदेश क्या है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया, यानी इतना काम मैं बहुजनों में यहाँ तक कर लाया, अब ये तुम्हारा काम। जातियों को 6743 जातियों को तोड़ करके, जो 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 तोड़ करके ब्राह्मणों ने जाति प्रथा बनाई है, इन 6743 जातियों को जोड़ करके, एससी एसटी ओबीसी को जोड़ करके बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने अजगर बनाया, जैसे ही अजगर बनाया तो यहाँ से चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बन गए। जब अजगर अहीर जाट गुजर जब जुड़े, जब उत्तर प्रदेश में हुआ क्या कि मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ गए, जय श्री राम, और हवा में ये श्री राम 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 करने वाले उड़ गए और वहाँ पर बीएसपी की सत्ता बनी। तो अंतिम जो माननीय साहब का जो संदेश था, ये पीड़ा थी उनकी, जैसे बाबा साहब की पीड़ा क्या थी कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसा पीड़ा थी, ऐसे माननीय काशीराम साहब की पीड़ा थी कि बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। तो जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि अब वो बहुजन समाज का निर्माण करें। और यही माननीय काशीराम साहब के परिनिर्माण दिवस पर मेरा आज के 85% बहुजनों को, इस देश के 85 करोड़ लोगों को यही संदेश है, आइए हम सब बहुजन समाज का निर्माण करें। और अगर बहुजन समाज का निर्माण हो गया तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, और तीसरा पक्ष भी आपका होगा, और पार्लियामेंट 2019 में नीला।